नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि अगर आप एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या ईपीएस रिटेलर्स हैं तो आप अपने अकाउंट को कैसे अपने अकाउंट में ऐड करेंगे, ताकि जब कभी भी आप जो कस्टमर से कैश विड्रॉल करते हैं उसको कभी न कभी अपने बैंक अकाउंट में सेटलमेंट करते हैं, यानी कि सेंड करते हैं उसको पुनः कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल बैंकर। तो चलिए, इसके लिए चलते हैं अपने सीधे एपीएस रिटेलर आईडी में या बीसी आईडी में और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे जो है एक बीसी या एपीएस रिटेलर है अपना अकाउंट नंबर जो है ऐड करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम अपने रिटेलर लॉगिन सेक्शंस में लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स का, तो हम इस पर टाइप करेंगे। अब जैसे ही हम इस पर टाइप करेंगे, इसमें जितना सारा भी सर्विस मिलता होगा इसके अंदर में, वो स्टेप बाय स्टेप जो है नेम शो करने लगेगा। देखिए, ऊपर में टॉप पे आ रहा है कैश विड्रॉलिंग का ऑप्शन, दूसरे पे आ रहा है मिनी स्टेटमेंट, तीसरे पे बैलेंस इंक्वायरी, चौथे पे सेंड टू बैंक। तो अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है तो इस वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे, सेंड टू बैंक पे। तो जैसे ही आप बैंक पे टाइप करेंगे, तो हमने यहाँ पे कोई भी अभी अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ है, तो लिख रहा है कि नो बेनिफिशियरी इज लिंक्ड विद द अकाउंट, तो इस पर ओके करेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट, तो रिटेलर यहां पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, चाहे कोई भी अकाउंट नंबर हो, पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक का या पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो भी अकाउंट नंबर है आपके पास वहां पे ये डालेंगे। और एक बार से बोल रहा है फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर कीजिए, तो फिर से मैं डाल देता हूं अकाउंट नंबर। देखिए, हमने दोनों बार अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि निक नेम डालने के लिए बेनिफिशियरी का, तो चलिए हम अपना निक नेम डाल देते हैं। निक नेम डालने के बाद से आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे बोल रहा है आईएफएससी कोड डाल के लिए, तो आईएफएससी कोड डाल देते हैं। आईएफएससी कोड डालने के बाद से देखिए, यहाँ पे वेरीफाई कर लिया हमारा जो अकाउंट नंबर है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट नंबर है। अब अकाउंट टाइप बोल रहा है चूज करने के लिए, तो आप सेल्फ पे चूज करेंगे, क्योंकि आप अपना अकाउंट दे रहे हैं डिटेल्स का, आप अदर्स वाले ऑप्शंस को टैप करेंगे। और यहाँ पे देखिए, चेकबॉक्स में लिखा हुआ है कि वी विल ट्रांसफर 1 रुपीज फ्रॉम योर एम कैश बैलेंस टू कन्फर्म योर अकाउंट, यानी कि आपके जो एम कैश बैलेंस है उससे 1 रुपये कटेगा आपका अकाउंट नंबर कन्फर्मेशन करने के लिए, क्योंकि आप जो नया बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं। अब सीधे से सिंपल से आप जो है नीचे ऐड बेनिफिशियरी पे टाइप करेंगे, तो हम चलिए ऐड बेनिफिशियरी पे टाइप कर लेते हैं। अब जैसे ही टाइप करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि रिटेलर का एमपिन डालने के लिए, तो हम अपना एमपिन डाल लेते हैं। और एमपिन जैसे ही डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो देखिए हमारे जो एम कैश बैलेंस जो है 26,432 रुपए है अभी में। और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफर्म करवा रहा है कि मेक दिस इज प्राइमरी बेनिफिशियरी, दिस प्राइमरी बेनिफिशियरी, तो इसको भी आप कंफर्म करेंगे, तो हम करते हैं। अब जैसे ही कन्फर्म करिए, देखिए हमारा मैसेज आना शुरू हो गया है, यहाँ पे हो गया मेरा अकाउंट जो है 1 रुपये से डेबिट भी हो गया, कैश बैलेंस मेरा 26,432 रुपये अब हो गया 26,400। तो यहाँ पे जो है मेरा अकाउंट नंबर ऐड हो चुका है, यानी कि रिटेलर्स। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप भी एक बीसी या एपीएस रिटेलर्स हैं तो आप अपने अकाउंट जो है अपने रिटेलर आईडी में ऐड कर लेंगे इस स्टेप्स को फॉलो करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एपीएस रिटेलर्स या बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए अन्य वीडियो में नए अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।